मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज कोरोना वैक्सीन लगवाई। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने देश एवं प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा में जिला स्तरीय उपार्जन समिति की बैठक ली। बैठक में सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने सभी गोदामों में भंडारण के पुख्ता प्रबंध कराने के निर्देश दिए। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के मौसम के दौरान पेयजल संकट न हो, इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाकर समुचित कार्रवाई की जाए। भोपाल में विकसित होगा राज मीडिया सेंटर, कहा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकार कल्याण के संबंध में प्रभावी तथा व्यवहारिक नीति निर्धारण के लिए पत्रकारों की समिति का गठन भी किया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने होशंगाबाद जिले के तवा डैम पहुंचकर मूंग फसल की सिंचाई के लिए तवा बाई तट नहर के जल प्रवाह का शुभारंभ किया। बाई तट मुख नहर में कुल 500 क्यूसिक पानी छोड़ा जाएगा। जल प्रवाह की अवधि 50 दिवस रहेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दमोह में कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को संबोधित किया। समर्थकों की भारी भीड़ देखते हुए उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए अपील भी की। प्रचार प्रसार की कमी के चलते परेशान हो रहे हैं पशु मालिक। प्रतिवर्ष मछलेश्वर मेले में दूर दूर से मवेशियों के खरीदने बेचने के लिए लोग यहां पहुंचते थे। इस वर्ष मेला स्थगित हो गया है, लेकिन जानकारी के अभाव में अभी पशु मालिक पशुओं के साथ सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर यहां पहुंच रहे हैं। सागर में आयोजित हुआ 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर। इन 7 दिवसों में स्वयं सेवकों द्वारा ग्राम सफाई, स्वच्छता, नशा मुक्ति, कोविड संक्रमण जैसे विषयों पर ग्रामवासियों को जानकारी दी गई। यह शिविर ज्ञानदीप एवं अंतिवाई स्कूल के संयुक्त प्रयास से लगाया गया था। भाजपा जिलाध्यक्ष भीष्म द्विवेदी के नेतृत्व में लगातार कोविड से बचने लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता अभियान के तहत बैगा बैगी चौक में सायरन बजाया गया और लोगों को मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित किया गया। भूजल संवर्धन के संबंध में कार्यशाला का हुआ आयोजन। ITI रसीदोना में हुआ यह कार्यशाला का आयोजन। भोपाल से आए भू वैज्ञानिकों द्वारा छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया।